वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम श्रीनगर। आज पूरे दिन साइट सीन के लिए जा रहे हैं, ऑटो बुक करी है, ऑटो मेरे ख्याल से आसपास खड़ी हुई है, वहाँ से फिर हम आज का साइट सीन स्टार्ट करेंगे। सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं, आइडियल टाइम है। थकान काफ़ी ज़्यादा हो गई थी तो सोचा आराम से लेंगे। ये पीछे है हमारा हाउस बोट। मौसम काफ़ी अच्छा है, अराउंड 25-27 डिग्री होगा, घूमने के लिए परफेक्ट वेदर। आइए चलते हैं, उम्मीद है शाम के 5 बजे तक सारा कुछ हो जाएगा। एंड में डल लेक जाना है जो सबसे प्राइम लोकेशन है यहाँ का, बाकी चलिए देखते हैं कैसा हुआ। वो रहा हमारा हाउस बोट लाइन से, ये है झेलम रिवर जो कि पंजाब तक जाता है। और इस ब्रिज का क्या नाम है? अब्दुल्ला ब्रिज। ब्रिज का नाम है अब्दुल्ला ब्रिज। तो ये हमारा जर्नी शुरू हुआ है, देखते हैं अभी हम कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट। सब कुछ स्मूथली हो जाए ऐसा कभी हो सकता है? कल टैक्सी पंचर हुई थी, आज ऑटो में कुछ इशू आ गया है। अभी भी निकले हैं, मुश्किल से 15 मिनट ही हुए हैं। हर 15 मिनट में कुछ ना कुछ हो जाता है, देखते हैं, उम्मीद करते हैं जल्दी ठीक हो जाए। और क्या बोलूं, मुझे भी ऐसी आ रही है। क्या हुआ है अंकल, कुछ पता चल रहा है? अच्छा चलिए ठीक है, उसको निपटाइए। यार पंगे खत्म होने का नाम नहीं लेते। बाकी किस्मत से सामने एक पॉइंट है जहाँ पे घूमने जा सकते हैं, मैं वहां पे चलता हूँ। मुश्किल से 50 मीटर होगा यहाँ। पैदल चलते चलते मैं आ गया हूँ लेक की साइड पे। ये है कोई नीजन लेक, मिट गया है, ठीक से नाम नहीं दिख रहा, आप देख सकते हैं। सिटी इज़ कम्प्लीटली फ्लैट, ऐसा लगेगा नहीं आपकी हिल स्टेशन का। पहाड़ सिर्फ दूर दूर पे दिख रहे हैं और जगह जगह पे वेजिटेबल्स बिक रहे हैं, जैसे कि ये वहाँ। रोड की दूसरी तरफ चलते हैं, काफी अच्छा नजारा है। वेल्डिंग उसमें कितना घंटा लगेगा? कितने टाइम कम क्या लगेगा, खाली मिलना चाहिए, वो यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ होता था। अच्छा अभी कौन से गार्डन पे जा रहे हैं हम लोग? अभी दरगाह जा रहे हैं, हजरत बाग जा रहे हैं। चलिए ठीक है, वहीं पे चलिए, आप छोड़ दीजिए कुछ लोकेशन में, उसके बाद मैं बाकी वापस यहाँ आना होगा तो यहाँ रुकिएगा जरूर, यहाँ पे कुछ तस्वीरें ले लूँगा मैं। यहाँ से नहीं आएंगे? यहाँ से आना नहीं होगा नहीं। तो फिर आप 2 मिनट रुकेंगे क्या, मैं कुछ तस्वीर लेकर आ जाता हूँ साइड पे। हाँ यहीं पे रोक लीजिए, ठीक है ठीक है। ये चीज़ में जुगाड़ हो गया, ऑटो तो चल रहा है जैसे तैसे, और ऑटो वो बनवाने दे देंगे, तब तक मैं घूम लेता हूँ हजरत बाग, देखते हैं कैसा इलाका। शॉल बिक रहा है यहाँ पे और ग्रीनरी हर जगह। हम पहुँच चुके हैं अपने पहले स्टॉप में, दरगाह हजरत बल कुछ ऐसा है सामने से, शायद रेनोवेशन का काम हो रहा है, लेक की साइड पर है। गरीब
देख सकते हैं मेरे पीछे दरगाह है, अंदर काफी बड़ा गार्डन है। कैमरा अलाउड नहीं है अंदर लेकर जाना, इसलिए ये जगह मैं स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे दरगाह के अंदर ही रिलीजियस प्लेस है, अंदर को खाना खिला सकते हैं। चुके हैं शालीमार गार्डन पे, वो उस गार्डन का मेन गेट है, और अभी जाकर टिकट लेते हैं। ₹24 ये मैंने टिकट ले लिया है, ₹24 का है। ये है एंट्रेंस शालीमार गार्डन। तो ये एंड होता है यहाँ पे पार्क का, लास्ट पॉइंट है ये, काफ़ी लंबा चौड़ा पार्क है। और ट्रस्ट मी, दिस प्लेस इज़ वेरी पीसफुल, जाने का दिल नहीं कर रहा है यहाँ से। वाओ, लुक एट दिस प्लेस। पता नहीं कैमरा जस्टिस कर रहा है कि नहीं, बट ट्रस्ट मी ये जगह उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पेड़ के नीचे बैठा हुआ हूँ, गार्डन घूमते घूमते अराउंड हाफ एन आवर हो गए। काफ़ी तेज़ धूप है जैसे आप देख सकते हैं। अगर आप गर्मियों के मौसम में ठंडी हवा खाने की जगह ढूंढ रहे हैं तो श्रीनगर वो जगह बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 30 डिग्री है यहाँ पे टेम्परेचर, और अच्छे खासे पसीने छूट जाएंगे अगर आप घूमते हैं आउटडोर एक दो घंटे तो काफ़ी रिलैक्सिंग है, शांत है, पीस है। दिल्ली के ट्रैफिक और हैक्टिक बड़ी लाइफ से काफ़ी बेटर है। देखते हैं, अभी तो फिलहाल ज़्यादा शूट करने का, व्लॉगिंग करने का मूड कर नहीं रहा है, दिल कर नहीं रहा है। इधर गार्डन से बाहर निकल के क्या बेटर शूट कर सकते हैं। अभी ये सेकंड पॉइंट है और 4-5 जगहों पे और जाना है, लेट्स सी हाउ इट गोज। तो यहाँ हम घूमते घूमते गार्डन के बिल्कुल सेंटर प्लेस में आ चुके हैं, और यहाँ से सबसे परफेक्ट व्यू आ रहा है चारों तरफ का, दोनों तरफ माउंटेन्स, बीच में स्ट्रेट शावर, छोटा सा फाउंटेन। ये देखो पानी में खेलते और नहाते हुए बच्चे। गार्डन घूमते घूमते लगभग 1 घंटे हो गए हैं, अब वक्त हो चला है यहाँ से वापस जाने का। गार्डन से बाहर आ चुका है, अब जा रहे हैं अगले लोकेशन की ओर। काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस। अंकल कौन सा है अगला लोकेशन? क्या निशाद गार्डन। चलिए चलते रास्तों का मजा लेते। तो अभी आ चुके हैं डल लेक के सामने है निशाद गार्डन। अंदर जाने के लिए कोविड टेस्ट करवाना पड़ रहा है, अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप जा सकते हैं। टिकट मैंने ले ली है, और बिल्कुल रोड के सामने ही है डल लेक। देखिए ज़्यादा भीड़ है शालीमार गार्डन के मुकाबले।
ये लीजिए, ये है कुछ कारण ऐसा। जी अब आ चुके हैं निषाद गार्डन में, देख सकते हैं यहाँ की बात ही कुछ और है। ऑल्दो लेआउट बिल्कुल सेम है गार्डन का, बट मैं खड़ा हुआ हूँ निषाद गार्डन के बिल्कुल सेंटर में। ये गार्डन और जो पिछला गार्डन मैं गया था शालीमार गार्डन, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा स्टेयर्स की डिज़ाइन में बना हुआ, जैसे आप देख सकते हो जो वाटर फाउंटेन है, एक स्टेप नीचे जा रहा है, यहाँ से एक वहाँ से एक, ऐसे आई थिंक 4-5 स्टेप होंगे। और सामने जो दिख रहा है आपको डल लेक का व्यू है, वहाँ पे शिकारा चल रहा है। शिकारा मीन्स जो बोट रहता है यहाँ का ट्रेडिशनल बोट, जिसमें यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में शिकारा बोलते हैं। ये गार्डन देख के लग नहीं रहा कि उतना टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक आगे से एक राउंड लगाकर फिर मैं वापस चला जाऊँगा। देखते हैं अगला लोकेशन। ऑटो ख़राब होने की वजह से एक आधे घंटे ख़राब हो चुका है, अब देखते हैं आगे शाम के 5 बजे तक कवर कर पाते हैं यानी फिर उसके बाद लोकल मार्केट भी घूमना है, शॉपिंग भी करना है। बहुत थका देने वाला मौसम है, बहुत ह्यूमिड है, अच्छी खासी गर्मी है, अराउंड 32-35 डिग्रीज होगी। मुझे नहीं लगता गार्डन घूमने के लिए, आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए ये सही मौसम रहेगा। बस ऐसे ही बस निकलते हैं अब यहाँ से। बोटानिकल गार्डन एस्टैब्लिश 1965। चलिए टिकट ले ली, यहाँ पे भी कोविड टेस्ट लग रहा है लेकिन मेरे पास नेगेटिव रिपोर्ट है तो टिकट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। आइए अंदर चलता है। शाही बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन वैसे हर सिटी पे रहता है लेकिन यहाँ की बात कुछ और है। के अंदर और ट्रस्ट मी, ये अब तक के जितने भी गार्डन्स देखे थे मैंने उनमें से सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आते आते हमारे टैक्सी ड्राइवर ने भी बताया, ऑटो ड्राइवर ने भी बताया कि यहाँ पे बहुत सारे हिंदी फिल्म्स की शूटिंग हो चुकी है। सच में जगह बहुत सीनिक है। लुक एट दोज ट्रीज मैन, ऐसे पेड़ मैंने पहले कभी नहीं देखे, यहीं आकर देख रहा हूँ। टीवीज़ में देखा है, टीवी मूवीज़ में।
वापस चलने का टाइम आ गया है दोस्तों। मेरे ख्याल से एक गार्डन में 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर आप फैमिली अपने दोस्तों के साथ हैं तो बात अलग है, और पूरा साइट सीन करना है अगर आपने पैकेज लिया है पर डे का, तो फिर आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते किसी एक जगह पर। घूमते आ गए हम अपने गार्डन के आखिरी डेस्टिनेशन पे, वो है चश्मा शाही। काफ़ी तीखी चढ़ान थी, नीचे का एरिया कुछ इस तरीके से दिखता है। लोकल्स ऐसा कहते हैं कि चश्मा शाही के पानी में कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिसको पीने के बाद हेल्थ अच्छी हो जाती है, ऐसा मेरे होटल वाले ने भी बताया था। थोड़ा बैठा जाए यहाँ पे 5 मिनट फिर चलो पूरा। अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं अंकल? वो बोल रहे हैं ना हमको आपको शॉपिंग करने का है। शॉपिंग करने का है वही बोल रहे हैं ना, उस साल वाल का है। हाँ देखो तो शॉपिंग करने जा रहे हैं हम जहाँ पे ट्रेडिशनल। आपका नाम? चलो ये हम जा रहे हैं शिकारा पे भी, डल लेक पे। टाइम और टाइम बता दिया ना उन्होंने आपको? एक मिनट। हमारे साथ आज की बोट राइड में गुलाम नबी जी। अब कितने साल से शिकारा चला रहे हैं? कितने साल से चला रहे हैं आप? 30 साल। 30 साल से ऊपर हो गए। कुछ 30 साल में कुछ बदला कि नहीं? बहुत कुछ बदल गया। कहते हैं मैं वीडियो बनाता हूँ। वीडियो में कोई प्रॉब्लम थोड़ी मना कर आपको बनाओ, फोटो बनाऊंगा ऐसे, फिर मैं वीडियो भी निकालूंगा। मैं थोड़ा चक्कर लगा के आता हूं उसके बाद आपसे मिलता हूं। ठीक है, फोटो तैयार है, इसमें 2 मिनट लगे। 40 मिनट में क्या मजा आएगा, वहां तक जाना है फिर वापस आएगा, वहां तक 20 मिनट जाएगा। शिकारा में हम आए हुए हैं, 15 से 20 मिनट हो गए घूमते घूमते। आप ये देखिए फ्लोटिंग काइंड ऑफ ग्रोसरी शॉप, चाय कॉफी नाश्ता चिप्स ये सब मिल रहा है। और भी यहाँ पे हर थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ पे फ्लोटिंग शॉप अवेलेबल है, हुक्का वगैरह काफ़ी फेमस है यहाँ।
40 मिनट का ट्रिप है, खत्म हो चुका है, वापस जाते हुए हैं। अब आज का साइट सीन खत्म होने वाला, एक लोकल हैंडलूम के शॉप में जाएंगे गवर्नमेंट का, वहाँ पे देखेंगे कुछ खरीदारी करना है। नहीं 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 लेना है, नहीं चाहिए। देखिए शिकारा वापस लगते हुए, मेहनत रंग ली, आज एक नया सब्सक्राइबर मिल गया। हाथ दिखाइए, चलिए चलिए। बड़ा अनस्टेबल रहता है छिलने के टाइम में, ये सबका बना लिया। ये एड्रेस है डल लेक, इनने 40 मिनट्स का चार्ज किया है लगभग 400 रुपीज़।